नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे आज तुवर दाल की, जहां पर सरकार का खरीदने का मन है। एमएसपी के ऊपर क्या कुछ हैं डिटेल्स, डायनामिक प्राइसिंग पे सरकार कैसे खरीदने वाली है और कब तक और कितनी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहाँ पर अब भाव और भी गिरते हुए नजर आए हैं। लोअर सर्किट पर यहाँ पर कारोबार है, लगातार गिरावट और अपने हाई से अब आधा हो चुके हैं जीरे के भाव। बाजार मानता है कि 30-32 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या है फंडामेंटल्स और क्या एक्चुअल में वो लेवल्स देखने को मिलेंगे, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात एनर्जी पैक पर आउटलुक क्या है 2024 का, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, साथ ही राजगोर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगोर हमारे साथ जुड़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने और प्रो इंटेली ट्रेड के सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। लेकिन शुरुआत यहां पर दालों से करेंगे। सुनील जी, जिस तरह की बातचीत फिलहाल यहां पर हो रही है और रिपोर्ट भी किया गया है कि डायनामिक प्राइसिंग के तहत तुअर यहां पर सरकार खरीदेगी, जो कि एमएसपी के ऊपर भी भाव रह सकते हैं, फर्स्ट कैसे देखते हैं आप, क्या अवेलेबिलिटी है, फसल कम है, ये हम सब कुछ प्राइसेस में फैक्टर इन होता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं। मनीषा जी, ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हमने कभी भी सरकार को एमएसपी के ऊपर अभी तक ओपन मार्केट में माल खरीदते हुए बहुत कम देखा है। जहां तक तुअर की बात है, तुअर पिछले साल सरकार के पास, क्योंकि सरकार को अपना माल काफी डिस्पोज करना पड़ा और काफी कम मात्रा में सरकार के पास थी, और नई फसल भी सरकार की जो सोच थी उसके मुताबिक नहीं आई, बल्कि ये देखा गया कि काफी एमएसपी से काफी ऊपर जो है तुअर दाल बिक रही थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि कुछ क्वांटिटी जो है वो बफर में तुअर को बाजार भाव में लेके रखा जाए, ताकि इसको कभी भी तेजी या फिर सप्लाई करना पड़े तो सप्लाई किया जा सके, या फिर जैसे सब्सिडाइज स्कीम में दिया जा सके। हमने देखा कि मसूर सरकार ने 5 लाख टन लिया था, हालांकि तब भी बाजार जो है काफी प्रेशर में है। इसके हमें तीन इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएसपी के ऊपर जब भी भाव रहते हैं, इसका मतलब है कि किसानों की उत्पादन कम हुआ है, और किसानों को यदि मार्केट प्राइस पे सरकार खरीदती है तो किसानों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। नंबर दो, सरकार के पास माल रहती है तो एक सप्लाई जो है वो इंश्योरेंस हो जाती है कि सप्लाई होती रहेगी, तो इसमें मिलर को भी फायदा होता है। तीसरा, इम्पोर्ट ज्यादा होएगा, क्योंकि सरकार यदि माल रहती है तो इम्पोर्टेड माल व्यापारी भी इम्पोर्टर भी मंगा के बाजार में जो है सप्लाई देना चाहेगा। नंबर चौथा, कंज्यूमर को फायदा होगा, क्योंकि कंज्यूमर को एक इंश्योरेंस रह जाती है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि एक सप्लाई यदि इंश्योरेंस मिल जाती है तो कंज्यूमर को भी माल जो है सही भाव में मिलने का चांस बने रहते हैं। सुनील जी, आपने 4 रीजंस गिनाए हैं कि कितना फायदा यहाँ से हो सकता है और कितना बड़ा डिसीजन ये सरकार की तरफ से है, लेकिन अगर सरकार ही यहाँ पर खरीद रही है और एमएसपी के ऊपर भी खरीदने को तैयार है, आपको लगता है इस एक डिसीजन से ही प्राइसेस में एक सपोर्ट आएगा, दाम पड़ेंगे? ये हमने, जैसा मैंने बोला, आप तो यदि लेंटिल को देखेगी तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जरूर बाजार हो सकता है कि बढ़े, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे बोला कि इम्पोर्ट भी बढ़ जाएगा, और चूंकि सरकार के पास माल हो जाएगा तो हर किसी को, ये मिलर को भी इंश्योरेंस रहती है, ट्रेडर को भी इंश्योरेंस रहती है कि यदि मार्केट में माल नहीं मिलेगा तो हमें सरकार से माल मिल जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म की तेजी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके देखेंगे तो इसका बाजार में प्रेशर बना रहता है। सुनील जी, बाकी दालों का यहाँ पर क्या हाल है, क्योंकि जहां तक आपने पहले भी हमें बताया है कि चने के साथ साथ अब मूंग और शायद मसूर भी यहाँ पर भारत दाल में इंक्लूड यहाँ पर की जा सकती है, चिंता दालों को लेकर है, क्या ये एक और सेगमेंट है, सेक्टर है, जहां पर आने वाले साल में भी भावों में तेजी और अवेलेबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि दालें ही ऐसा एक एरिया है जहां पर ईयर ऑन ईयर भावों में अच्छी खासी तेजी अब भी है? ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है हर दाल को अलग अलग सेगमेंट में देखना चालू कर दिया है। आपने देखा होगा कि तुअर यदि सरकार के पास नहीं है तो तुअर का अलग सोच सरकार रख रही है, उड़द सरकार के पास नहीं है तो उड़द का अलग सोच रख रही है, मूंग मसूर और चना चूंकि सरकार के पास है इसलिए सरकार इसमें ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है यदि इसके भाव बढ़ेंगे तो हम इसको सप्लाई कर देंगे। तो सरकार हर दाल को अब अलग अलग लेके देखने लगी है। पहले हर यदि किसी एक दाल में तेजी आती थी तो बाकी दालों पर भी सरकार का कहर टूट पड़ता था, जिसकी वजह से बाकी दालें जो है वो नीचे चली जाती थी, लेकिन अब डिसीजन सही हो रहे हैं मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छे डिसीजन हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं ये कहूंगा कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित सिंह जी को जाता है, क्योंकि वो हर सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, किसानों से वो बात करते हैं, व्यापारी से वो बात करते हैं, मिलर को वो बात करते हैं, और अपनी बात जो है ऊपर पहुंचा के वो सही डिसीजन ले पाते हैं।
ओके अच्छा, संक्षेप में सुनील जी, आपने तुअर की प्राइसिंग पर तो बातचीत की, लेकिन ओवरऑल अगर पल्सेस पैक के प्राइसेस की बात की जाए तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स? जनवरी ऑनवर्ड जो है दालों में जो है वो डिमांड आ जाती है, क्योंकि हरी सब्जियां कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइस को जो देख के चीजें खरीदते हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और दालों की तरफ उनको आना पड़ता है। तो मुझे लगता है जनवरी ऑनवर्ड दालों की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि काफी दालें सरकार के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन चने में हमें जरूर देखना होगा, क्योंकि चने की जो बिजाई है वो 10-12% कम रहने की आशंका है। और ये अभी तक वेदर भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन अभी जनवरी में यदि मकर संक्रांति के आसपास बारिश हो जाती है तो फसल बहुत अच्छी दिखाई देगी, नहीं तो हो सकता है कि 5-10% यील्ड में भी कमी दिखाई दे। तो 20% यदि चने में यदि प्रोडक्शन कम दिखाई देगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। और बाहर भी चना नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में करीबन 4.5 लाख टन चने की पैदावार है और भाव भी काफी ऊपर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई जो है वहां पे लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चने को जरूर अब एक शार्प नजर चने पे एक जरूर रखनी पड़ेगी, ताकि इस आने वाले दिनों में ये क्या इसकी प्रोडक्शन होती है और क्या इसकी कीमतें रहती है, इसको जरूर देखना। ऑलराइट, सो जहाँ तक दालों की बात है, भावों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कदम सारे यहाँ पर ठीक ठाक उठाए गए हैं, अच्छे उठाए गए हैं, बड़े कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, जिसका फायदा यहाँ पर हम कंज्यूमर्स और किसानों दोनों को ही आता हुआ देखेंगे। सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और दालों पर वो पूरा ब्यौरा भी देने के लिए। बात अब जीरे की कर लेते हैं और हमारे साथ धनंजय राजगोर हैं। धनंजय जी, एक और लोअर सर्किट आज जीरे में यहाँ पर लगता हुआ, कैसे देखते हैं अब आप प्राइसेस? और जैसे हमारी पिछली बार भी बात हो रही थी कि यहाँ 35 का स्तर शायद टूट सकता है, 34 तक की भी बातें की जा रही है, बात तो 32 तक भी की गई है, लेकिन अब आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? नए जीरे को आने में अभी भी 40 से 50 दिन का समय लग सकता है और रमजान की गिराकी अभी शुरू होगी, तो जनवरी तक रमजान की गिराकी शुरू हो जाएगी, फिर जीरे में वापस उसको एक टेका मिलेगा, फिर जीरा नहीं गिर सकता है। जीरे की बिजाई गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट की अगर बात करें तो करीबन 12 लाख हेक्टर में इसकी बिजाई हो चुकी है। एक हेक्टर में 8 बैग हम समझे तो उसको कम से कम 96 लाख बैग आ सकता है। तो और कैरी फॉरवर्ड इस साल हमारी सिर्फ 2-4 लाख बोरी होती है, हर साल वो होती है 20-25 लाख, तो 1 करोड़ के करीबन ये आंकड़ा आ सकता है। तो आने वाले दिनों में जीरा और भी थोड़ा घट सकता है। कितना और घट सकता है धनंजय जी? क्योंकि अगर हम मार्च फ्यूचर्स की बात करें तो 30,000 तक के लेवल्स भी हम देख रहे हैं, आप कहाँ बॉटम बनता हुआ देख रहे हैं फिलहाल मार्च में? इससे मुझे लग रहा है कि ये 28,000 के नीचे मार्च वायदा नहीं जा सकता है, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, 28 तक लेकिन भाव यहाँ पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरह की फसल है, एक बार फसल बाजार में आती है तो आपको लगता है कि 28 का एक बॉटम बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और उसके बाद बढ़त है, या किस तरह की नीचे में किस तरह का सिनेरियो आप खुलता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, जीरे का मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया कि जीरे की जो क्रॉप होती है वो बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है, जब तक जीरा खेत से बाहर नहीं आ जाता है तब तक हमें उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जीरा घट सकता है, क्योंकि वेदर उसका काम कर सकता है। क्योंकि हमने देखा कि लास्ट कई सालों से, पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि वेदर पैटर्न चेंज हो चुके हैं, ऋतु पैटर्न चेंज हो चुके हैं और हर साल जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में बारिश का माहौल बनता है। तो अगर ये जब तक खेत में से बाहर नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बार हमें लग रहा है कि ये जो बॉटम अभी जो चल रहा है वो जीरा एकदम लोएस्ट रेट में चल रहा है, तो इस रेट से अगर ग्राहक की निकलती है या रमजान की डिमांड निकलती है तो एक बार जनवरी में ये जीरा 4,043,000 के स्तर पर आ सकता है। धनंजय, एक्सपोर्ट डिमांड तो हमने घटते हुए देखी है, क्या आउटलुक है? सबड्यूड रह सकती है एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से या कोई और व्यू? एक्सपोर्ट रमजान की निकल सकती है 15 जनवरी के आसपास, तो सभी का ये कहना है कि एक बार तो जीरा 4-5,000 एक बार फिर तेज हो सकता है, क्योंकि अभी जो रेट चल रहे हैं वो मंडियों में वो बॉटम रेट चल रहे हैं। राजस्थान मंडियों की बात करें तो जीरा रोज एवरीडे 1,000-2,000 बैग आ रहा है और गुजरात मंडियों की बात करें तो जीरा रोज 1,500-2,500 बोरी आ रहा है, तो सामने 4,000 बोरी टोटल आ रहा है और सामने डिमांड 5-6,000 बोरी की है। तो एक बार जीरा अभी इसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, अभी इस रेट से जीरा वापस घटना नहीं लग रहा है, वापस इसमें
3 से 4 हजार बढ़ने की संभावना लग रही है। ओके चलिए, शुक्रिया धनंजय आने के लिए और क्विकली व्यूज अपने देने के लिए। दिनेश जी से क्विकली कमेंट ले भी लेते हैं। दिनेश जी, क्या व्यू है जीरे पर और बाकी स्पाइसेस पर? बिल्कुल फंडामेंटल मुझे लगता है धनंजी से बेहतर और ज्यादा कोई नहीं बता सकता। वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी रखते हैं, अपनी मंडी में काफी बड़ी शॉप है उनकी, तो मुझे लगता है फंडामेंटल उन्होंने काफी अच्छे से बताया कि जनवरी में जो है रमजान की डिमांड निश्चित तौर से निकल के आएगी और जितनी भी फसल आने की संभावना है वो इस प्राइस में फैक्टर्ड इन है। जनवरी में एक बार उछाला जरूर आ सकता है, साथ ही साथ मुझे लगता है मार्च जो 28,000 का बेस बन सकता है एक बार वहां पर भी प्राइस स्टेबल हो सकती है। मार्च के आसपास नॉर्मली जीरे में एक बॉटम बनता है और वहां से 4 महीने थोड़ी थोड़ी सी अप मूव देखते मिल सकती है, तो मुझे लगता है 35,000 का जनवरी अभी बिल्कुल होल्ड करेगा यहाँ के लेवल्स। ओके चलिए, तो ये बात हुई स्पाइसेस की और साथ ही साथ पल्सेस की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एनर्जी सेक्टर पर। 2023 में तो काफ़ी वॉलिटी स्पेस में हमने देखी कि आउटलुक बन रहा है 2024 के लिए। इस पर बातचीत करेंगे। किशोर नारने हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही दिनेश सोमानी भी हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।